वेलकम टू मेटा कॉलेज। कल अपन ने पढ़ा था बूलियन एलजेब्रा के बारे में। बूलियन एलजेब्रा में अपन ने पढ़ा था कि ये जो अपने स्विचिंग सर्किट्स होते हैं वो वर्क करते हैं जीरो एंड वन पर। उसके साथ ही अपन ने पढ़ा था कि कैसे ट्रुथ टेबल्स फॉर्म की जाती है, कैसे उनके आउटपुट्स डिफाइन किए जाते हैं, कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, किस टाइप से ये सारी प्रोसेसिंग होती है। आज अपन पढ़ेंगे उसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट टॉपिक जो कि अच्छा साथ में अपन ने SOP और POS भी पढ़ा था। SOP क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट। और POS क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम। ये दोनों चीज़ें क्या थी? आउटपुट डिफाइन करने की प्रोसेस। ठीक है, इसके साथ अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है अपना स्विचिंग सर्किट्स। स्विचिंग सर्किट्स के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ते हैं बफर के बारे में। बफर सर्किट कौन सा सर्किट होता है? वो वाला सर्किट जिसको अपन जो इनपुट प्रोवाइड कराएंगे वो कि वो इनपुट वो आउटपुट में लाके दे देगा। मींस अगर अपन ने जीरो इनपुट दिया तो आउटपुट भी अपने पास क्या आएगा? जीरो। अगर अपन ने वन इनपुट दिया तो आउटपुट भी अपने पास आएगा वन। It provides same output as input. इसके जो ट्रुथ टेबल होती है वो कैसी होती है? अच्छा, ट्रुथ टेबल बनते किस किस के बीच में? इनपुट और आउटपुट के बीच में। अगर अपन ने इनपुट में दिया जीरो तो अपने पास आउटपुट भी क्या आएगा? जीरो। अगर इनपुट में अपन ने दिया वन तो आउटपुट भी अपने पास आता है वन। इसका जो स्विचिंग डायग्राम होता है वो होता है अपने पास इस टाइप से। स्विचिंग डायग्राम के जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो होती है बैटरी, स्विच और बल्ब। ये अपनी बैटरी, ये अपना स्विच और ये होता है बल्ब। बल्ब अगर जल जाता है तो आउटपुट होता है वन और अगर बल्ब नहीं जलता है तो आउटपुट होता है जीरो। अच्छा, जीरो इनपुट और वन इनपुट के अंदर क्या मतलब, उसका मतलब क्या होता है? देखो, ये जो अपने पास स्विच है ये इस टाइप से है। अगर अपन इसके अंदर जीरो इनपुट प्रोवाइड कराएंगे तो जीरो इनपुट प्रोवाइड कराने के का मतलब है कि ये किसकी तरह वर्क करेगा? एज ए ओपन। मींस ये जो स्विच की ये जो खिड़की है ये खुली रहेगी जीरो पर, ये ओपन की तरह वर्क करेगा। और ओपन की तरह वर्क करेगा, ये खिड़की खुली रहेगी तो यहां से कट हो जाएगा और कट हो जाएगा तो ये किसकी तरह वर्क करेगा? एज ए ब्रोकन वायर। ठीक है, और वन का मतलब होता है क्लोज। वन का मतलब होता है स्विच क्लोज हो जाएगा। ये जो अपनी ये पिन है ना, ये आके यहाँ पे चिपक जाएगी और पिन जब यहाँ पे आके चिपक जाएगी तो ये किसकी तरह वर्क करेगा? एज ए सिंपल वायर की तरह। तो मतलब स्विच क्लोज हो गया, स्विच क्लोज होने पर ये जो अपना वायर है वो सिंपल वायर की तरह वर्क करेगा। मीन्स इसके अंदर से नेचुरली करंट फ्लो होगा, जितना अपन करंट फ्लो कराना चाहते उतना पूरा करंट फ्लो होगा। तो इस स्विचिंग डायग्राम का मतलब क्या है? स्विचिंग डायग्राम का काम होता है जो अपनी ट्रुथ टेबल होती है उसको वेरीफाई कराना कि क्या अपन ने जो ट्रुथ टेबल बनाई है वो सही बनाई है क्या। ये चेक करते हैं अपन स्विचिंग डायग्राम से। चेक करते हैं, सबसे पहले देखो अपन जीरो इनपुट देते हैं। जीरो इनपुट दिया तो ये जो अपना स्विच है ये किसकी तरह वर्क करेगा? एज ए ये स्विच है, मतलब मान लो कि ये ऐसे है, ये वायर है, यहां से ये ऐसे है तो ये अभी खुला हुआ है, खुला हुआ है तो यहाँ से करंट जाएगी नहीं,
करंट नहीं जाएगी तो बल्ब पे कोई करंट नहीं पहुंचेगी, और बल्ब पे करंट ही नहीं पहुंचेगी तो बल्ब जलेगा नहीं। मतलब जीरो इनपुट पे अपने पास आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो। जो इनपुट दिया था वो का वो आउटपुट आ गया, मीन्स ये वाली कंडीशन अपनी सेटिस्फाइड है। दूसरी वाली चेक करते हैं वन। अगर अपन वन इनपुट दे रहे हैं, वन का मतलब है यहाँ से ये पिन टच हो गई, और पिन टच हो गई तो ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, एज ए सिंपल वायर की तरह, और सिंपल वायर की तरह वर्क कर रहा है तो करंट यहाँ से फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी तो बल्ब के अंदर जाएगी, बल्ब के अंदर जाएगी तो बल्ब जलेगा, और बल्ब जलेगा तो आउटपुट अपने पास क्या आएगा, वन। ये अपना था बफर सर्किट। ये बफर सर्किट की ट्रुथ टेबल, ये सर्किट का स्विचिंग डायग्राम, और बफर सर्किट का जो आउटपुट लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं वाई इक्वल्स टू ए। मतलब जो अपन ने इनपुट, जो अपन ने वाई होता है आउटपुट और ए है अपना इनपुट, तो जो अपन ने इनपुट प्रोवाइड कराया वो का वो अपने पास क्या आ गया, आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं नॉट गेट के बारे में। गेट्स तो तुमने पढ़ ही रखे ना बीएससी के अंदर, नॉट गेट। अच्छा, नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं। जनरली अपन इन इंग्लिश से हिंदी में जाए तो नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं। मतलब उल्टा, अपन किसी को कोई काम बताए और वो कह दे कि मैं नहीं करूँगा, मतलब अपन ने सोचा कि वो करेगा लेकिन उसने मना कर दिया तो उल्टा हो गया। तो नॉट गेट का जो मेन काम होता है वो होता है जो भी उसको इनपुट प्रोवाइड कराया जाएगा वो उसका जस्ट उल्टा कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ये जो किसी भी वेरिएबल के ऊपर अपन ये बार का साइन लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट करना, मतलब जस्ट उल्टा कर देना। तो जैसे अपन इसकी जो सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है। किसी भी गेट के अंदर अपन चार पांच चीजें, सारे गेटों के अंदर अपन चार पांच चीजें पढ़ते हैं। पहली चीज होती है वो उसका सिंबल, दूसरी चीज, पहली चीज तो अपन ये पढ़ते हैं कि इसके अंदर इनपुट्स कितने होंगे, इनपुट्स डिफाइन करते हैं, उसके बाद में अपन इसका पढ़ते हैं सिंबल, सिंबल के बाद में पढ़ते हैं आउटपुट वेरिएशन, आउटपुट किस टाइप आएगा, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं उसकी ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल के बाद में स्विच डायग्राम से अपन उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इनपुट तो देखो सिंगल इनपुट है, नॉट गेट में सिंगल इनपुट जाता है हमेशा, सिंगल इनपुट। सेकंड चीज है इसका सिंबल, ये इसका सिंबल होता है, सिंपली इसको इस टाइप से भी शो करते हैं अपन। ये बबल का मतलब होता है नॉट। ठीक है, ये यहां पे अपन ने ए इनपुट दिया, अपने पास आउटपुट क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। तीसरी चीज, अच्छा इसका आउटपुट क्या आएगा, वाई इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ चीज अपन पढ़ते हैं ट्रुथ टेबल, इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी। देखो अपन बूलियन एलजेब्रा से जानते हैं कि अपन इनपुट्स दो टाइप से ही दे सकते हैं, जीरो एंड वन। तो ट्रुथ टेबल में इनपुट है अपना ए, आउटपुट आएगा वाई इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। इनपुट अपन ने दिया जीरो, इनपुट अपन ने जब दिया जीरो तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो वाई इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, मीन्स वाई इक्वल्स टू जीरो का कॉम्प्लीमेंट, और जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वन। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, वन। अगर अपन ने इनपुट दिया वन, तो वन दिया तो वाई इक्वल्स टू वन का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू जीरो, आउटपुट क्या आ गया, जीरो। जो अपन ने इनपुट दिया उसका जस्ट उल्टा कर दिया, वन दिया जीरो, जीरो दिया वन। जीरो और वन के अलावा अपन कोई इनपुट नहीं दे सकते बूलियन एलजेब्रा के अंदर, ये अपन को बात पहले से पता है, समझ में आया। अब इसको करते हैं वेरीफाई स्विच डायग्राम से। इसका जो स्विच डायग्राम होता है वो देखो इस टाइप से होता है, वो इस सबके स्विच डायग्राम में मेन एलिमेंट्स बैटरी स्विच और बल्ब। अब ये अपनी बैटरी है, बैटरी से अब अपन जीरो और वन दे रहे हैं। ठीक है, अगर इन अब इसमें एज ए इनपुट जीरो देंगे
तो जीरो देंगे तो यहाँ पे ये स्विच ओपन रहेगा, ओपन रहेगा तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगी, और करंट अगर यहाँ से जा रही है और फिर वो यहाँ नहीं आ पाई तो वो कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे। तो करंट यहाँ पे जाएगी, बल्ब में जाएगी और बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा तो आउटपुट अपने पास क्या आएगा, वन, कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड अगर अपन इनपुट दे रहे हैं वन, इनपुट अगर अपना वन है, जब अपने पास इनपुट वन है तो ये स्विच किसकी तरह वर्क करेगा, स्विच क्लोज हो जाएगा, और स्विच क्लोज हो जाएगा तो अपने करंट इसके अंदर से फ्लो कर जाएगी, ये सिंपल वायर की तरह वर्क करेगा, और करंट इसके अंदर से फ्लो कर जाएगी तो करंट इससे निकल के यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे करंट जाएगी नहीं, करंट जाएगी नहीं तो बल्ब जलेगा नहीं, और बल्ब जलेगा नहीं तो अपने पास आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, जीरो। ये था अपना नॉट गेट। थर्ड पढ़ते हैं अपन इसका एंड गेट। सबसे पहले नंबर ऑफ इनपुट्स। अच्छा, एंड का मतलब क्या होता है, जनरली एंड का मतलब होता है मैथ के अंदर मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर मिनिमम कितनी वेरिएबल, मतलब अपन को कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं, कम से कम दो तो होए अपने पास, दो को तो गुणा करें, खुद को खुद से क्या ही गुणा करना। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं इसके टू, फिर थ्री फोर फाइव कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने होंगे, टू। सेकेंड चीज इसका सिंबल, इसका सिंबल होता है इस टाइप से, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सर्किट डायग्राम्स का ही मेन रोल है। ये अपन ने मान लो एक इनपुट दे दिया ए, दूसरा अपन ने दे दिया बी, जो ये अपना आउटपुट आएगा वो आएगा ए डॉट बी मल्टीप्लाई होके, आउटपुट क्या हो गया इसका, वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी। थर्ड चीज, फोर्थ इसकी ट्रुथ टेबल। अच्छा, ट्रुथ टेबल अपन को पता है जितने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे अपने पास या नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, टू टू द पावर एन। तो अपनी ट्रुथ टेबल किस टाइप से बनेगी इसकी, जैसे अपन ने इनपुट्स दिए ए बी और आउटपुट दिया अपन ने वाई, इनपुट में क्या दे सकते हैं अपन, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। ये ट्रुथ टेबल तुम्हें बनानी आनी चाहिए, और नहीं आ रही है तो पिछले वाले लेक्चर को देख के आओ, मेरे ख्याल से उस लेक्चर को देखने के बाद किसी को ट्रुथ टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे आउटपुट किस टाइप से आएगा, अपने पास इनपुट से जीरो जीरो, आउटपुट क्या आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जीरो डॉट जीरो, जीरो को जीरो से गुणा करोगे जीरो, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, जीरो। सेकेंड वाले के लिए जीरो को वन से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, जीरो को सॉरी वन को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, वन को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, और लास्ट कंडीशन है वन डॉट वन वन, तो ये क्या हो गया, जीरो जीरो वन। ट्रुथ टेबल में कोई दिक्कत है क्या, ट्रुथ टेबल से अपन को एक बात तो पता चल रही है, वो नॉट समझ के लिख लो। देखो अगर जीरो जीरो है जीरो आ रहा है, जीरो वन है जीरो, वन जीरो है जीरो, वन वन है वन, अगर एक भी इनपुट अपने पास जीरो है तो आउटपुट अपने पास क्या आ रहा है, जीरो। तो ये नोट करके लिख लो, इफ एनी वन इनपुट इज जीरो
देन आउटपुट विल बी जीरो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं इसे छोटी सी बात से, है ना। अब इसका देखते हैं स्विचिंग डायग्राम, वही इसके अंदर स्विच लगेंगे। अब दो इनपुट से तो दो स्विच लग जाएंगे, पहले एक इनपुट था तो एक स्विच लग गया था। देखो इसके अंदर जो स्विच लगे होते हैं वो सीरीज में लगे होते हैं, दोनों स्विच सीरीज में होते हैं। ये भी याद रखने की चीज़ है कि बोथ स्विचेज आर इन सीरीज। देखो अगर अपन इसके अंदर इनपुट देते हैं जीरो जीरो, सबसे पहले अपन ने इनपुट दिया इसके अंदर जीरो जीरो, इसके अंदर जीरो इनपुट दिया, इसके अंदर जीरो इनपुट दिया, दोनों क्या रहेंगे ओपन, दोनों ओपन रहेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगी, टूटा हुआ वायर है ये ब्रोकन वायर, तो इससे करंट फ्लो नहीं करेगी, और करंट फ्लो नहीं करेगी तो बल्ब पे करंट पहुंचेगी नहीं, और बल्ब पे करंट पहुंचेगी नहीं तो आउटपुट क्या आएगा अपने पास जीरो। सेकंड वाली कंडीशन है ए अपन जीरो दे रहे हैं और बी इक्वल्स टू वन दे रहे हैं, ए इक्वल्स टू जीरो बी इक्वल्स टू वन, ए इक्वल्स टू जीरो दिया तो ब्रोकन वायर, लेकिन बी इक्वल्स टू वन देने पे स्विच क्लोज हो गया तो ये सिंपल वायर बन गया। अब पहले ही कोई चीज़ टूटी हुई है और आगे तुम कितना ही अच्छा पाइप जोड़ लो, पहले से ही टूटा हुआ है तो उसके अंदर से कुछ आएगा क्या? मेरा मतलब अगर ये देखो ये अपने पास ये है, ठीक है, ये कोई वायर है, ये यहाँ से टूटा हुआ है और यहाँ अपन ने बहुत अच्छा जोड़ रखा है, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगी तो यहाँ थोड़ी पहुँचेगी, तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगी क्या? ये यहीं पे रुक जाएगी करंट, तो करंट फ्लो नहीं करेगी तो बल्ब पे करंट नहीं पहुँचेगी, और बल्ब पे करंट नहीं पहुँचेगी तो आउटपुट अपने पास क्या आएगा? जीरो। नेक्स्ट कंडीशन है ए इक्वल्स टू वन और बी इक्वल्स टू जीरो। ए इक्वल्स टू वन है अपने पास तो वन के ऊपर ये वर्क करेगा एज ए सिंपल वायर, और बी वाले की जगह मतलब ये ऐसी कंडीशन हो जाएगी अपने पास एज ए सिंपल वायर यहां तक, और यहां पे ये वर्क करेगा एज ए ब्रोकन वायर। सिंपल वायर की वर्क तरह वर्क कर रहा है तो यहां तक तो अपने पास करंट पहुंचेगी, लेकिन इसके आगे अपने पास करंट पहुंच नहीं पाएगी, करंट पहुंच नहीं पाएगी तो फिर से बल्ब पे तो पहुंच ही नहीं पाएगी करंट, तो आउटपुट अपने पास अभी भी क्या है? जीरो। नेक्स्ट कंडीशन है आउटपुट अपने पास है वन वन, सॉरी इनपुट अपने पास है वन वन, दोनों इनपुट्स वन वन दे दिए, इसके अंदर वन दिया स्विच क्लोज ओपन वायर या सॉरी सिंपल वायर, यहाँ पे स्विच क्लोज सिंपल वायर, तो ये जो अपना वाला वायर है इस वाले कंडीशन के अंदर कैसे वर्क करेगा एज ए सिंपल वायर, और सिंपल वायर की तरह वर्क करेगा तो करंट यहाँ से लेके पूरे में फ्लो कर जाएगी, फ्लो करके जाएगी तो बल्ब में पहुंचेगी, और बल्ब में जब करंट पहुंचेगी तो आउटपुट अपने पास क्या आएगा? वन। क्या सेटिस्फाइड है क्या ये कंडीशन? स्विच डायग्राम समझ में आया, एंड गेट समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, एंड गेट के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं टू, सिंबल होता है इसका इस टाइप से, आउटपुट इसका आता है एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करना होता है तो आउटपुट आता है अपने पास दोनों को मल्टीप्लाई करके ए डॉट बी। ट्रुथ टेबल जब इसकी बनाते हैं तो इनपुट्स के कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स अपने पास 2 है तो 2 टू द पावर n मींस 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 4, तो 4 आते हैं अपने पास कॉम्बिनेशंस, 4 कॉम्बिनेशंस है तो क्या हो सकते हैं, या तो दोनों में 0 दे दे या एक में 0 1 दे दे, या किसी a में 1 दिया दूसरे में 0 दे दिया, या दोनों में 1 1 दे दिया। इनपुट क्या आउटपुट क्या आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया आउटपुट जीरो, जीरो को वन से मल्टीप्लाई किया जीरो, जीरो को वन को जीरो से किया जीरो, वन को वन से मल्टीप्लाई करने पे आउटपुट आ रहा है अपने पास वन। सारी कंडीशंस चेक करी
स्विच डायग्राम से। स्विच डायग्राम से चेक करने के बाद अपने पास दो कंडीशंस निकल के आती है कि एक तो जो इसका स्विच डायग्राम होता है इसके अंदर जो इसका स्विच डायग्राम होता है इसके अंदर जो ये स्विच लगे हुए होते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए होते हैं, और दूसरी चीज अगर ट्रुथ टेबल से देखा जाए तो किसी कोई भी अगर एक इनपुट जीरो है ना तो अपने पास आउटपुट हमेशा जीरो आना है, ये वाली कंडीशंस याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं अब अपन और गेट पे। देखो सबसे पहले इसमें भी मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स, इसमें भी मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं टू। और का मतलब मैथ में क्या होता है, ऐड करना, सम। तो इसके अंदर सम होएंगे तो सम खुद को खुद से क्या ही जोड़ना, दूसरे से जोड़ो, तो वन प्लस वन टू। तो मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स इसके अंदर लिए चाहिए, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स इसके लिए चाहिए टू, तो ए प्लस बी, ये दो इनपुट्स लेते हैं अपन इसके अंदर। अब जरूरी नहीं है आप ए बी लो, आप एक्स वाई भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, जो वेरिएबल आपके मन करे वो ले लो, एस टी पी क्यू आर एस डब्ल्यू जो भी। तो इसके अंदर सेकेंड चीज अपन लिखते हैं इसका आउट वो सिंबल। इसका सिंबल किस टाइप से होता है, इसका आउटपुट कैसे आएगा दोनों को जोड़ के, तीसरा लिखते हैं आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका आउटपुट आएगा वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। फोर्थ चीज वही ट्रुथ टेबल, वही अपने पास नंबर ऑफ इनपुट्स लेके चल रहे अपन, दो नंबर ऑफ इनपुट्स अगर दो है अपने पास तो कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, फोर। कॉम्बिनेशंस फोर है तो ट्रुथ टेबल किस टाइप से बन जाएगी, ए बी वाई। कंडीशंस क्या हो सकती है, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। अच्छा अब इसका आउटपुट चेक करते हैं, इसका आउटपुट किस टाइप से आएगा, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, दोनों को जोड़ के आउटपुट आएगा। अब पहली कंडीशन ले रहे हैं अपन जीरो, जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो। सेकेंड है ए की वैल्यू जीरो और बी की वैल्यू वन, जीरो प्लस वन आउटपुट वन। अपन एंड थ्योरम और थ्योरम नॉट थ्योरम पहले पढ़ चुके हैं तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। थर्ड कंडीशन है वन प्लस जीरो, ए की वैल्यू वन है और बी की वैल्यू जीरो है, तो वन प्लस जीरो इक्वल्स टू वन। और फोर्थ कंडीशन है वन प्लस वन, और थ्योरम के अपन अंदर अपन ने पढ़ा है कि अगर a प्लस ए होता है तो आउटपुट उसका क्या आता है, a, मतलब a में a को जोड़ोगे तो a ही आएगा, तो 1 में 1 को जोड़ोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा 1। तो इसके आउटपुट्स क्या हो जाएंगे, 0 1 1 1, ये इसकी होगी ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट क्या करते हैं अपन स्विच डायग्राम, तो स्विच डायग्राम से इसको वेरीफाई कर ले। इसका स्विच डायग्राम होता है इस टाइप से, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं। दो स्विच है अपने पास, ऊपर वाला स्विच ए और नीचे वाला स्विच बी। ठीक है,
चेक करके देखें, अपने पास इनपुट्स की कंडीशन है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। पहली कंडीशन चेक करते हैं, इनपुट है अपने पास 0 0। अच्छा 0 0 इनपुट है तो थोड़ा बाहर हो गया फ्रेम से। ये स्विच ए, ये स्विच बी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो S1 S2। ठीक है, अब फ्रेम में इनपुट्स लेते हैं इसके अंदर अपन 0 0। जब 0 0 इनपुट दिया तो ये पहले वाला जो अपना स्विच है ये किसकी तरह वर्क करेगा, एज ए ब्रोकन वायर। दूसरे वाला स्विच है S2, ये भी अपना किसकी तरह वर्क करेगा, एज ए ब्रोकन वायर। दोनों ब्रोकन वायर की तरह वर्क करेंगे, दोनों के अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगी, और करंट फ्लो नहीं करेगी तो आउटपुट पे करंट बल्ब जलेगा नहीं, और बल्ब जलेगा नहीं तो आउटपुट अपना क्या आएगा, 0। सेकंड कंडीशन देखते हैं, इनपुट से अपने पास 0 एंड 1। इसको 0 दिया, इसको 1 दिया, इसको 0 दिया तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, एज ए ओपन वायर, मतलब ब्रोकन वायर सॉरी। और ये वाला है, ये 1 दे रखा है, 1 दे रखा है तो ये सिंपल वायर की तरह वर्क करेगा। अब करंट के पास दो पाथ है, ये या तो इधर से चल जाए या इधर से चल जाए। इस वाले पाथ से वो जा नहीं सकती तो पूरी की पूरी करंट कहाँ से जाएगी, इसके अंदर से जाएगी, इस पॉइंट पे आएगी, और पॉइंट पे आने के बाद में बल्ब के अंदर आएगी, बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1। नेक्स्ट कंडीशन है अपने पास 1 एंड 0। 1 एंड 0 है तो अब इसके अंदर से इनपुट जाएगा, इसके अंदर ये सिंपल वायर की तरह वर्क करेगा और ये ओपन वायर ब्रोकन वायर की तरह वर्क करेगा। ब्रोकन वायर की तरह वर्क करेगा तो इसमें से करंट जाएगी नहीं, पूरी करंट यहाँ से जाके इस पे जाके बल्ब में, और बल्ब में आएंगे तो आउटपुट 1। नेक्स्ट कंडीशन है 1 1। अगर 1 1 कंडीशन लगाई अपन ने, इनपुट दोनों के अंदर 1 1 दिए, और 1 1 जब इनपुट दे रहे हैं दोनों के अंदर, जब दोनों के अंदर 1 1 इनपुट जा रहा है तो दोनों के अंदर 1 1 इनपुट जाने के कारण दोनों एज ए सिंपल वायर वर्क करेंगे, और दोनों से आधी आधी करंट जाके इस पॉइंट पे आ जाएगी, आधी आधी करंट इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी, और इस पॉइंट पे पहुंचने के कारण बल्ब में जाएगी, बल्ब में जाने के कारण बल्ब जलेगा, और बल्ब जलेगा तो ये किसकी तरह मतलब आउटपुट प्रोवाइड कराएगा, और आउटपुट प्रोवाइड कराएगा तो अपने पास आउटपुट आएगा 1। ठीक है, दो चीजें इससे निकल के आती है। पहले वाले उससे एंड गेट के अंदर क्या होता था, दोनों स्विचेज किसमें होते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसके अंदर बहुत स्विचेज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहला। और दूसरा नोट क्या आता है अपने पास, अगर एंड के अंदर कोई भी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट अपने पास 0 आएगा, और गेट के अंदर अगर कोई भी एक इनपुट अपने पास 1 है तो आउटपुट अपने पास हमेशा क्या आएगा, 1। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है और गेट के लिए। क्या चीज़ समझ में आई और गेट तुम्हें,
एक बार फिर से रिवाइज करूँ, और गेट के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं दो, इसका जो सिंबल होता है वो दिया जाता है इस टाइप से, आउटपुट आता है दोनों को सम करके ए प्लस बी। ट्रुथ टेबल देखते हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स है दो तो कॉम्बिनेशंस आएंगे अपने पास चार, चार कॉम्बिनेशंस है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। चारों कॉम्बिनेशन से चेक करते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी फॉर्मूले से, तो आउटपुट अपने पास आता है 0 1 1 1। मीन्स अगर कोई एक इनपुट अपने पास 1 है तो आउटपुट हमेशा अपने पास क्या आएगा 1। स्विच डायग्राम देखते हैं इसका, इसका जो स्विच डायग्राम होता है वो इस टाइप से होता है, दोनों इसके अंदर किस कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और एंड गेट के अंदर दोनों होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है। देखो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर गिवन स्विच डायग्राम फाइंड आउटपुट मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये अपन को गिवन है एक सर्किट डायग्राम जिसका मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन अपन को बताना है। अब अपने पास डायरेक्ट स्विच लगे हुए हैं, एक ही तरीका है अपने पास पता करने का। अपन पीछे पढ़ के आए एंड गेट और ओर गेट के अंदर, एंड गेट के अंदर जो स्विच होते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर होते हैं, ओर गेट के अंदर जो स्विच होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। आओ इधर ये देखो, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है क्या, और इस वाले के अंदर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है क्या, मतलब इन ये दोनों किसको फॉर्म कर सकते, किसको फॉर्म कर रहे हैं, इस साइड बना लेते हैं, ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं एक एंड गेट को, और एंड गेट किस टाइप से आउटपुट देता है ए कॉम्प्लीमेंट बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके। आगे वाला है ये वाला, ये दोनों मिलके एक एंड गेट को फॉर्म कर रहे हैं, और एंड गेट आउटपुट क्या देगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके। इसके नीचे एक जुड़ा हुआ है ए, और इसके नीचे एक जुड़ा हुआ है ए, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट आ रहा है वाई, ये बल्ब, ठीक। अब ये दोनों किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए तो ये कौन से गेट को फॉर्म करेंगे, ये दोनों फॉर्म करेंगे और गेट को फॉर्म, और गेट के अंदर होते हैं ना दोनों पैरेलल में, तो और गेट किस टाइप से आउटपुट देता है दोनों को जोड़ के, तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, और ये वाला ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब ये दोनों फिर से सीरीज में आ गए, और फिर से सीरीज के अंदर आ गए तो ये किसको फॉर्म करेंगे वापस, एंड गेट को, एंड गेट को फॉर्म करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी डॉट ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी वाई, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई होके, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी डॉट ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए डॉट ए आउटपुट क्या आता है, अगर अपने पास ए डॉट ए होता है तो आउटपुट क्या आता है ए,
दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सिंगल आ गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट और ए प्लस बी। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट अपने पास हो गया वन, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हो गया अपने पास वन और ए प्लस बी, मतलब अपना मिनिमाइज आउटपुट क्या आ गया, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन, एक बार फिर से देखो इसको। ये यहाँ पे बी था, बी ठीक है, दोनों सीरीज में तो एंड गेट बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी और नीचे जुड़े हुए ए ए, दोनों पैरेलल में और गेट बन गया, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, दोनों वापस सीरीज में आ गए तो मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होंगे मतलब एंड गेट बनाएंगे, एंड बनाएंगे तो दोनों सिंगल वैल्यू देंगे, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट भी आउटपुट आएगा ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये वाला जो क्वेश्चन है वो नेट में भी आया हुआ है, डिटरमाइन आउटपुट वाई फॉर टू डिफरेंट केसेस फॉर गिवन सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम अपन को गिवन है, लास्ट में वाई है आउटपुट वाई। दो केस गिवन है, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, ये नहीं आता है तो फिर मैं कल बताती हूँ, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस शुरू से शुरू करोगे तो तुम्हारे आंसर हो सकता है कि आए ही नहीं, क्योंकि बहुत टिपिकल हो जाएगा ये आगे जाते जाते कितने गेट जुड़े हुए हैं। ट्राई करना, पीछे से अप्लाई करना शुरू करो ये केसेस। और दूसरी चीज़, ये चीज याद रखना कि एंड गेट के अंदर अगर एक इनपुट जीरो है तो आउटपुट हमेशा जीरो आएगा, और गेट के अंदर एंड गेट के अंदर अगर कोई भी एक इनपुट वन है तो आउटपुट हमेशा वन आएगा, और एंड गेट के अंदर अगर कोई भी एक इनपुट जीरो है तो आउटपुट हमेशा जीरो आएगा, और गेट के अंदर अगर कोई भी एक इनपुट वन है तो आउटपुट हमेशा वन आएगा। ये लाइन्स याद रखना,
ठीक है, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना, आई थिंक तुम कर लोगे, नहीं आए तो अपन फिर कल करते इसका सॉल्यूशन, ठीक है, बाय, राधे राधे। बेसिक लॉजिक गेट्स में अपन ने सबसे पहले पढ़ा बफर के बारे में। बफर जो स्विचिंग गेट होता है, स्विचिंग सर्किट होता है, उसका काम होता है कि जो भी आप उसको इनपुट प्रोवाइड कराओ वो इनपुट का एज इट इज़ आउटपुट पे पहुंचा देता है। मतलब जो भी आप उसको इनपुट दोगे आउटपुट तुम्हारे पास सेम एज इनपुट आएगा। दूसरा अपन ने पढ़ा नोट गेट। नोट गेट के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होते हैं, 1। नोट गेट का जो मेन काम होता है वो होता है जो भी उसको इनपुट प्रोवाइड कराया जाए वो उसका कॉम्प्लीमेंट करके दे देता है, मतलब जस्ट उल्टा करके दे देता है। कोई भी गेट पढ़ते हैं अपन, उसके लिए अपन सबसे पहले 5 चीज़ें डिफाइन करते हैं। सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ मिनिमम इनपुट्स कितने होंगे, दूसरी चीज़ उसका सिंबल किस टाइप का होगा, तीसरी चीज़ आउटपुट किस टाइप से आएगा, चौथी चीज़ उसकी ट्रुथ टेबल कैसी बनेगी, और पांचवी चीज़ वेरीफाई करते हैं स्विचिंग डायग्राम से, ठीक है। तो उस सेकंड अपन ने पढ़ा एंड गेट। अब एंड गेट के अंदर अपन ने पढ़ा कि एंड का मतलब मैथ के अंदर होता है मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट करके देना। तो एंड गेट का काम है, इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं 2, और एंड गेट का काम है मल्टीप्लाई करके देना। तो 2 इनपुट्स अगर अपन ने कुछ भी लगाए तो दोनों क्या होके आएंगे, मल्टीप्लाई होके आउटपुट पे आएंगे। इसी के साथ इसकी ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग अपन ने देखा कि अगर एंड गेट के अंदर कोई भी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा, और इसके स्विचिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें जो स्विच होते हैं वो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में एडेड होते हैं। इसी के साथ अपन ने पढ़ा और थर्ड नंबर पे और गेट। और गेट के अंदर और का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, और का मतलब होता है सम करके देना। तो सम करके देगा तो वो जिसको उसको जितने भी इनपुट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे आउटपुट में वो सम करके प्रोवाइड कराएगा। एंड गेट के ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग अपन ने देखा कि एंड गेट के अंदर अगर कोई इनपुट मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट कोई भी एक इनपुट 1 है तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा, और इसके अंदर जो स्विच होते हैं वो पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसके अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था जो कि अब अपन करते हैं। अब देखो तुम अगर इन केसेस को शुरू से अप्लाई करना शुरू करोगे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो बहुत टाइम लग जाएगा, और बहुत टाइम भी लगेगा साथ में कॉम्प्लिकेटेड भी होती जाएगी चीज़ें। तो अपन दोनों केसेस से शुरू करते हैं और देखो कितना ईजी क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, नेट का क्वेश्चन है ये। आओ केस फर्स्ट लेते हैं अपन, इधर करते हैं इसका सॉल्यूशन। केस फर्स्ट के अंदर देखो अगर अपन g=0 अप्लाई कर दे, g=0 अप्लाई कर दे, ये कौन सा गेट है अपने पास, एंड गेट। एंड गेट के अंदर हमें पता है कि अगर कोई भी एक इनपुट 0 होएगा तो आउटपुट अपने पास क्या आएगा, 0। तो अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट अपने पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 0। इधर आइए, क्या इसके अंदर केस फर्स्ट का आउटपुट 0 है, नहीं है। इसके अंदर केस फर्स्ट का आउटपुट 0 नहीं है, मतलब ये दोनों केस तो अपने पहले से हट गए, दोनों ऑप्शंस डिलीट हो गए, मतलब हटा सकते हैं अपन कि ये कोई काम के नहीं अपने। अब अपन को चेक करना है इन दोनों में से, दोनों में केस फर्स्ट का आउटपुट तो 0 है तो एक तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन केस सेकंड का आउटपुट भी तो पता चले अपन को, मेन आंसर तो तभी आएगा दोनों केस के आउटपुट आएंगे अपने पास। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड के अगर अंदर अपन अप्लाई करते हैं अगर g=1, जी के अंदर अगर अपन अप्लाई करते हैं 1 और एफ के अंदर क्या अप्लाई करते हैं 1, अगर जी के अंदर 1 अप्लाई करते हैं तो एंड गेट में ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं कि एक इनपुट अपने पास अगर 1 है तो आउटपुट का अपन को पता लग जाए, तो अब ये तो नहीं कर सकते इसमें आगे अपन सोल्व। तो अपन क्या जाते हैं एफ पे अपन जाते हैं, तो एफ के अंदर एक इनपुट अपने पास 1 है और एफ वाला गेट कौन सा है, एंड गेट। एंड गेट के अंदर क्या होता है, अगर कोई इनपुट 1 है, कोई एक इनपुट 1 है तो आउटपुट अपने पास क्या आता है, हमेशा 1। तो इसके अंदर एक इनपुट 1 है तो आउटपुट अपने पास क्या आ गया, 1। यहाँ से 1 जा रहा है, यहाँ से 1 जा रहा है, 1.1, ये एंड गेट है तो 1.1 y=1, आउटपुट अपने पास क्या आ गया, 1। मीन्स आंसर का आउटपुट क्या आएगा, 0, 1, ऑप्शन
बी। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और, इसी पे बेस्ट। चलो पहले नेक्स्ट गेट पढ़ते हैं, एक्सोर गेट, फोर्थ नंबर का गेट। एक्सोर गेट इसको ऐसे भी लिखते हैं और एक्सोर, एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव ओर गेट, ठीक है। एक्सोर गेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहले इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स, इसके अंदर भी मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं अपने पास दो। सेकंड चीज अपन क्या करते हैं, इसका सिंबल, इसका सिंबल होता है इस टाइप से। अगर अपने पास दो इनपुट्स है ए और बी, तो ये आउटपुट प्रोवाइड कराता है इस टाइप से, ए एक्सोर बी। एक्सोर का साइन होता है ये बीच में प्लस। ए एक्सोर बी का मतलब होता है एक का कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ऐसे कैसे, फिर पहला ऐसे कैसे, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, ये इस टाइप से आउटपुट लाके देता है अपन को। फोर्थ नंबर पे ट्रुथ टेबल, इसकी ट्रुथ टेबल किस टाइप से बनेगी? वही इनपुट और आउटपुट के बीच में ट्रुथ टेबल बनेगी। इनपुट अपने पास है दो ए बी और आउटपुट अपना आएगा वाई, ठीक है। इनपुट दो अपने पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, तो कॉम्बिनेशंस कितने आएंगे? वही चार, 00 01 10 11। अब फिर से अपन आउटपुट डिफाइन करते हैं। अपने पास पहले है ए इक्वल्स टू जीरो और बी इक्वल्स टू जीरो, पहली कंडीशन। वाई क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो वाई क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो, ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो का कॉम्प्लीमेंट। जीरो का कॉम्प्लीमेंट होता है वन, जीरो 0.1, y इक्वल्स टू 1.00, 0.10, y इक्वल्स टू 0। पहली कंडीशन के लिए अपने पास आउटपुट क्या आ गया? 0। नेक्स्ट कंडीशन लगाते हैं अपन, नेक्स्ट कंडीशन के अंदर अपने पास क्या है? a इक्वल्स टू 0 है और b इक्वल्स टू अपने पास है 1, ठीक है। y क्या होता है? a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्प्लीमेंट। ए की वैल्यू है 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट, b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 1 का कॉम्प्लीमेंट। y इक्वल्स टू 0 का कॉम्प्लीमेंट 1.1 प्लस 0.0, y इक्वल्स टू 1 प्लस 0, y इक्वल्स टू 1। आउटपुट क्या आ गया अपने पास? 1। थर्ड कंडीशन पे चलते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है अपने पास? ए इक्वल्स टू 1 और बी इक्वल्स टू 0। वाई क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। वाई इक्वल्स टू 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस 1.0 का कॉम्प्लीमेंट। वाई इक्वल्स टू 0.0 प्लस 1.1, वाई इक्वल्स टू 1। आउटपुट क्या आएगा? 1। फोर्थ कंडीशन है 1 1, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 1। वाई अपना क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 प्लस 1.1 का कॉम्प्लीमेंट, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0.1, 1.0, वाई इक्वल्स टू 0 प्लस 0, वाई इक्वल्स टू 0। आउटपुट क्या आया? 0।
अच्छा, ट्रुथ टेबल देखने से एक चीज पता लग रही है क्या? ट्रुथ टेबल देखने से एक चीज पता लग रही है क्या? अगर इवन टाइम्स अपने पास वन है, इनपुट्स में इवन टाइम्स अगर अपने पास वन है, इस इनपुट के अंदर अपने पास वन कितने टाइम्स है? जीरो टाइम्स। इस वाले इन वाले इनपुट्स में मतलब वन अपने पास कितना है? वन टाइम। इन वाले इनपुट्स में वन कितने टाइम है? वन टाइम। इन वाले इनपुट्स में अपने पास वन कितना है? टू टाइम्स। तो अगर अपना वन इवन टाइम्स प्रेजेंट है, 0, 2, 4, 6 इवन टाइम्स प्रेजेंट है, तो अपने पास आउटपुट क्या आएगा? जीरो। अगर अपने पास वन ओड टाइम्स प्रेजेंट है, तो आउटपुट क्या आएगा अपने पास? वन। समझे? अगर इवन टाइम्स इनपुट्स के अंदर इवन टाइम्स इनपुट्स के अंदर वन प्रेजेंट है, तो आउटपुट आएगा जीरो, और ओड टाइम्स अपने पास वन प्रेजेंट है, तो आउटपुट आएगा वन। क्योंकि देखो, दो के लिए तो आप ए कॉम्प्लीमेंट बी और प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए से लिख सकते हो, लेकिन अपने पास थ्री टाइम्स तीन वेरिएबल आ जाए, चार वेरिएबल आ जाए, पांच वेरिएबल आ जाए, उनके लिए कहाँ से अपन ये ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट करने बैठेंगे? नहीं कर सकते ना, इतने बड़ा कॉम्प्लिकेशंस आती है इतनी बड़ी चीज़ों में। और डिजिटल का तो काम ही क्या है? बड़ी चीज़ों को छोटा करना। तो बड़ी चीज़ों को छोटा करने के लिए ये जो अपने पास डिजिटल आई है, तो इसका यूज इस टाइप से करते हैं। अपन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं गेट्स की। अच्छा, इसकी एग्जोर गेट की मेन प्रॉपर्टीज होती क्या है? देखो, पहली प्रॉपर्टी तो क्या हो गई, अगर अपने पास इवन टाइम्स वन आ रहा है, देन आउटपुट क्या होएगा? जीरो। अगर अपने पास ओड टाइम्स वन आ रहा है, तो अपने पास आउटपुट क्या आएगा? ऑड टाइम्स वन में आउटपुट वन आता है, इवन टाइम्स वन में आउटपुट जीरो आता है। तीसरी चीज, अगर अपने पास इस टाइप से कंडीशन हो, एक के अंदर एक्स गिवन हो, एक के अंदर जीरो गिवन हो, तो अपना फॉर्मूला क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ए की वैल्यू है जीरो, बी की वैल्यू है एक्स। ए की वैल्यू है जीरो, बी की वैल्यू है एक्स। जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन प्लस जीरो एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई इक्वल्स टू एक्स। मतलब एक्सोर ग्रेट की एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर उसके अंदर कोई भी एक इनपुट अगर जीरो होगा, तो आउटपुट में वो जो दूसरा वाला इनपुट है वो आ जाएगा एज इट इज। समझे? एक्सोर गेट के अंदर जो अपने पास टू इनपुट सिस्टम है, उसके अंदर अगर एक इनपुट जीरो है, तो आउटपुट जो दूसरा वाला इनपुट है वो आ जाएगा एज इट इज। ठीक है? और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर अपने पास एक इनपुट वन है और दूसरा है एक्स, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, तो अगर एक इनपुट वन है, तो आउटपुट देखो वाई इक्वल्स टू क्या होता है? वही ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। एक है अपने पास वन, वन का कॉम्प्लीमेंट एक्स प्लस वन एक्स का कॉम्प्लीमेंट, वाई इक्वल्स टू जीरो डॉट एक्स प्लस वन एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई इक्वल्स टू एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ गए होंगे?
ये XOR गेट की चार प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी, अगर इवन टाइम्स वन प्रेजेंट है तो आउटपुट अपना जीरो होएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, ऑड टाइम्स वन है तो आउटपुट अपना होएगा वन। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर दो इनपुट्स में से कोई सा भी एक इनपुट जीरो है तो आउटपुट हमेशा दूसरे वाले इनपुट के बराबर आएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर दो इनपुट्स में से कोई सा भी एक इनपुट अगर वन है तो आउटपुट हमेशा उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा, दूसरे वाले इनपुट के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ठीक है, एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। डिटरमाइन आउटपुट y फॉर गिवन सर्किट डायग्राम। ऑप्शंस है अपने पास एक्स जीरो वन एक्स कॉम्प्लीमेंट। देखो कैसे करेंगे इसको, इसके अंदर एक में एक्स है, दूसरे में भी एक्स जा रहा है। ये वाला ही एक्स यहाँ पे जा रहा है और ये वाला ही एक्स यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, ये तो अपन को गिवन है। अब XOR गेट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर दो इनपुट सेम है, दो सेम इनपुट जा रहे हैं, तो आउटपुट अपने पास क्या आता था, ऊपर जीरो जीरो था, आउटपुट क्या आया था जीरो, नीचे वन वन था, आउटपुट क्या आया था जीरो। तो दो सेम इनपुट है तो अपने पास आउटपुट क्या आएगा जीरो। सेम जा रहे हैं ना एक्स एक्स, तो आउटपुट आएगा जीरो। अब जीरो और एक्स जा रहे हैं, अगर जीरो और एक्स जाता है मतलब XOR गेट के अंदर कोई भी एक इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट अपने पास क्या आएगा एज इट इज, जो दूसरा वाला इनपुट है वो। ठीक है, अब इसके अंदर दोनों एक्स एक्स जा रहे सेम जा रहे तो आउटपुट इसका क्या हो जाएगा जीरो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जीरो। ठीक है, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखो, जैसे ये वाला कोई क्वेश्चन है। ऐसे करके अपने पास 20 XOR गेट जुड़े हुए हैं। ये एक्स है, एक्स है, तो 20th XOR गेट का आउटपुट क्या होगा, 20 जो 20 नंबर पे XOR गेट है उसका आउटपुट क्या होएगा। देखो ये एक्स जा रहा है, एक्स जा रहा है, एक्स जा रहा है, एक्स जा रहा है। ठीक है, एक्स एक्स जा रहा है, आउटपुट आ रहा है जीरो, जीरो और एक्स जा रहा है, आउटपुट क्या आएगा एक्स। इसके बाद में फिर से एक्स एक्स आएगा, आउटपुट क्या आएगा जीरो। अगले वाले में जीरो और एक्स आएगा, आउटपुट क्या आएगा एक्स। दूसरे का आउटपुट एक्स है, फिर चौथे का आउटपुट एक्स आएगा, फिर सिक्स नंबर पे आउटपुट आएगा, तो बीस वाले का आउटपुट क्या आएगा वाई प्लस टू एक्स। समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं अब एक्स नोर गेट पे। अच्छा, ये जो एक्सक्लूसिव और गेट है ये अपने कहाँ पे काम आता है, तुमने देखा होगा स्टेयर केसेस, जो अपने घर की सीढ़ियाँ होती है उसके अंदर दो जगह पे लगे हुए रहते हैं अपने ये स्विच लगे होते हैं, एक तो नीचे लगा होता है एक ऊपर लगा होता है। जब तुम नीचे से ऊपर जा रहे होते हो तो नीचे वाले स्विच को ऑन करते हो, लाइट जल जाती है सीढ़ियों में, और फिर चल के तुम ऊपर चले जाते हो। ऊपर जाने के बाद में तुम क्या करते हो, ऊपर वाले स्विच को ऑफ कर देते हो, नीचे वाले को ऑन करके गए ऊपर वाले को ऑफ कर दोगे, लाइट अपने आप क्या हो जाएगी ऑफ। क्या ये इसी टाइप पे वर्क कर रही है, तो क्या एक का कॉम्प्लीमेंट किया मतलब ऑफ किया,
और दूसरे को ऑन कर दिया, या फिर एक को तुम ऑन कर गए और दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब ऑफ कर दिया। तो ये जो एक्स और गेट है, ये अपने इसका एग्जांपल देखा जाता है स्टेयर केसेस में। नेक्स्ट है अपना एक्स नोर गेट। फिफ्थ नंबर है ना, एक्स नोर गेट। देखो सबसे पहले इसका मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स, एंड के अलावा सब में मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स दो ही होते हैं। सेकंड चीज देखते हैं इसका आउटपुट, वो सॉरी सिंबल। थर्ड चीज आउटपुट एक्सप्रेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है दोनों का एक साथ कॉम्प्लीमेंट, दोनों एक साथ एक्चुअल। फोर्थ चीज देखते हैं अपन इसकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के अंदर वही इनपुट्स पहले, फिर आउटपुट्स, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। पहले कंडीशन देखो, आउटपुट आता है इसका ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ठीक है। पहले कंडीशन है अपने पास ए इक्वल्स टू 0 बी इक्वल्स टू 0, तो y क्या हो जाएगा 0 का कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 0 1 1 प्लस 0 y इक्वल्स टू 1, मतलब सेम इनपुट से आउटपुट कितना आ रहा है 1। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन क्या है a इक्वल्स टू 0 b इक्वल्स टू 1, तो y क्या हो जाएगा 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 1, 0 प्लस 0 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा अपने पास 0। थर्ड कंडीशन है अपने पास a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 0, y क्या हो जाएगा 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 0, y इक्वल्स टू 0 1 1 0, y इक्वल्स टू 0 प्लस 0 y इक्वल्स टू 0। और फोर्थ अपने पास कंडीशन है y इक्वल्स a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 कॉम्प्लीमेंट 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट 0 कॉम्प्लीमेंट, y इक्वल्स टू 0 0 प्लस 1 1, y इक्वल्स टू 1। एक्सओर गेट की प्रॉपर्टी दिख रही है ट्रुथ टेबल से तुम्हें, अगर कोई भी दो इनपुट सेम है, दो इनपुट सेम है तो आउटपुट अपने पास आ रहा है 1, दो इनपुट्स डिफरेंट है तो आउटपुट अपने पास आ रहा है 0। सेम इनपुट्स पे आउटपुट डिफरेंट और डिफरेंट इनपुट्स पे आउटपुट 0,